हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्जाम्स में आपका स्वागत है। तो आजकल पति पत्नी में आपसी झगड़ों के कारण कोर्ट में तलाक संबंधी विवाद एक आम बात है। तलाक संबंधी विवादों के कारण दोनों परिवारों की बदनामी होती है और पैसे खर्च होने के साथ साथ सालों कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी तलाक संबंधी विवाद समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए पति पत्नी आपसी सहमति से कोर्ट के माध्यम से तलाक लेकर बिना किसी बदनामी के बहुत कम खर्च और कम समय में तलाक संबंधी विवाद को समाप्त कर सकते हैं और दोनों लोग शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में कोर्ट द्वारा आपसी सहमति से तलाक लेने की कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे तथा म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के फ़ायदे भी आपको बताएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक अवश्य करें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसी सहमति से तलाक का विवरण जो आपका दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 बी के आर्टिकल 1 और 2 में दिया गया है। इसके अनुसार म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना होता है। आपसी सहमति से तलाक 2 स्टेप में होता है। इसके लिए कोर्ट में 2 बार आवेदन करने होते हैं, जिन्हें फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन कहते हैं। फैमिली कोर्ट में म्यूचुअल डाइवोर्स लेने के लिए केस फाइल करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप उन कंडीशंस को पूरा करते हैं तभी म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। तो देखेंगे कि सबसे पहली कंडीशन क्या आती है आपकी। तो सबसे पहली कंडीशन आपकी आती है कोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस एरिया की फैमिली कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। आप 3 एरियाज की फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है कि वह जगह जहां पर पति पत्नी की शादी हुई हो, दूसरा जहां पर पति पत्नी पहली बार एक साथ रहे हों, और तीसरा है जहां पर पति पत्नी आखिरी बार एक साथ रहे हों। इन 3 जगहों के अलावा आप किसी और जगह की कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन है कि पति पत्नी का 1 साल तक अलग रहना। आपसी सहमति से तलाक की दूसरी शर्त एक दूसरे से अलग रहने की है। इसके अनुसार दोनों पति पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हों और अलग रहते हुए दोनों के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने होने चाहिए। 1 साल अलग रहने की शर्त को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 14 के अंतर्गत कोर्ट को उचित कारण देकर आप समाप्त करवा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन होती है कि आपसी सहमति बिना किसी दबाव के। जो आपकी आपसी सहमति से तलाक की जो तीसरी शर्त है वो क्या कहती है कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई आप पे प्रेशर डाल रहा हो और उस प्रेशर में आप ऐसा कर रहे हो। तो आगे हम जानेंगे कि कोर्ट केस करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है। तो म्यूचुअल डाइवोर्स कोर्ट द्वारा 2 स्टेप में दिया जाता है, जिन्हें फर्स्ट मोशन और सेकेंड मोशन के नाम से हम जानते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट मोशन में क्या होता है। यदि आप म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने की कंडीशन को पूरा करते हैं तो आप कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13(b)(1) के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन को फर्स्ट मोशन कहते हैं। इसमें दोनों पक्षों का शादी से पहले और बाद का नाम, पता, उम्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, सबसे पहले शादी का कार्ड हो, अगर शादी का कार्ड नहीं है तो शादी का फोटो हो जाए, दूसरा दोनों का आधार कार्ड या पहचान पत्र, और तीसरा है दोनों का पासपोर्ट साइज फोटो। सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ कोर्ट में आवेदन करने पर कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर कोर्ट की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है तथा दोनों पक्षों के हस्ताक्षर अंगूठों के निशान के साथ लिए जाते हैं ताकि कोई बाद में मुकर ना सके, तथा दोनों पक्षों को उनके वकील आइडेंटिफाइड करते हैं कि ये दोनों वही सही व्यक्ति यानी पति पत्नी हैं। इस प्रोसेस के बाद कोर्ट एक आर्डर जारी करता है। उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है आपका, जिसे हम सेकेंड मोशन कहते हैं। तो दूसरा आवेदन हम पहले आवेदन के आदेश के पारित होने से 6 महीने के बाद कभी भी कर सकते हैं, यानी 6 महीने आपको वेट करना होगा। लेकिन ये जो आवेदन है 18 महीने पूरे होने से पहले ही करना होता है, यानी कम से कम आपको 6 महीने वेट करना है और अधिक से अधिक जो आवेदन करने का टाइम है वो 18 महीने, उसके बाद आप आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सेकेंड मोशन के लिए 6 महीने का वेट नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CPC की धारा
151 के तहत एक एप्लीकेशन लगानी होगी। ये एप्लीकेशन सेकेंड मोशन आवेदन के साथ लगाई जाती है। दूसरे आवेदन में भी पहले आवेदन की तरह सभी डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं और साथ में पहले आवेदन के आदेश की सर्टिफाइड कॉपी भी लगानी होती है। दूसरे आवेदन के बाद कोर्ट फिर से दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर दोनों की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। वकील द्वारा दोनों पक्षों को आइडेंटिफाइड किया जाता है और सब सही पाए जाने पर कोर्ट तलाक की दो डिग्रियां इशू करती है, जो कि दोनों पक्षों को एक एक ओरिजिनल डिग्री मिलती है और कोर्ट द्वारा तलाक की डिग्री इशू करने की डेट से आपको तलाक मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको बताया कि कैसे आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।